जय हिंद बच्चों बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आज आपको मॉडल स्पीड टेस्ट 2 का एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। आज सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी के, जिसमें आपके इतिहास के, भूगोल के और नागरिक शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना साथ ही साथ शिष्टा योजना परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बच्चों, जो टॉपिक बच्चों कवर हो रहे हैं वो गणित के हैं। ये टॉपिक आप जैसा देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और विज्ञान के ये टॉपिक हैं, सामाजिक विज्ञान के ये हैं, करंट अफेयर्स में हमने ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और इसको जो मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है जिन्होंने, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा संतोष कुमार खरे सर का, संजीव कुमार बंसल सर का तथा शैलेंद्र शंखधर सर का, जिनके द्वारा यह स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया। तो सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए शासक का नाम है, यहाँ मकबरा है, ठीक है। तो आपको ये देखिए मैच करना है कि कहाँ पर किसका मकबरा है, मतलब मर गए तो उसके बाद इनको कहाँ दफनाया गया, ठीक है। तो 51 का हम मिलाने जा रहे हैं। बाबर का मकबरा बच्चों काबुल में है, ठीक है। इसके बाद अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है, ठीक है। तो इस तरह से 51 का जो ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों वो सही है, ठीक है। और मुझे पता है बच्चों, आप लोगों ने अभी डिमांड की थी तो कुछ इतिहास कुछ भूगोल कर रहे थे, मैं सोचा कि तीनों का इकट्ठा ही बना देता हूँ, तो जिससे आपकी मदद काफ़ी मिल जाएगी। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मुझे लगेगा हाँ इस तरह के वीडियोज़ और बनाने की आपको आवश्यकता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, और इसमें देखिए युद्ध दिया हुआ है और हमें यहाँ पर कि कब ये युद्ध हुआ था उससे इसको हमें टैली करना है, मतलब कि मिलान करना है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में है। शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है वो है आपका 1674 में। चौसा का युद्ध जो है वो आपका हुआ है 1539 में, और तराइन का युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 52 का जो ऑप्शन है बच्चों 3 जो है वो सही है। देखिए ए का है तीसरा, बी का है चौथा, सी का है पहला और डी का है दूसरा, हाँ ठीक है। तो इस तरह से 52 का 3 आंसर बच्चों सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में है, किस शासक के शासनकाल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों पर पहुंची। मतलब देखिए शासक सभी ने इंटरेस्ट लिया था मुगल काल में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने बढ़ावा दिया चित्रकारी को, पेंटिंग को, वो थे जहांगीर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो एक लिपि है गुरुमुखी लिपि, जैसा आप जानते हैं लिखावट होती है, इसका आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में राजदूत बन के आया था, ठीक है। तो यह है इसका जहांगीर, पुनः इसका उत्तर है 55 का आपका तीसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, किस मुगल बादशाह के काल से भवन अलंकरण पच्चीकारी संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई के माध्यम से होने लगा। तो यह है शाहजहां, ठीक है। 56 का आपका 4 ऑप्शन बच्चों सही है। अब भाई ये फिर से देखिए एक मिलान वाला है जहां हमें मिलाना है, ये अलग अलग मौलवी हुए और इनकी दरगाह कहां पर है इसको हमें मिलाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली है, ये काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है आपका, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली हो गया, फिर है सलीम चिश्ती का आगरा हो गया, इसके बाद आपका मोइनुद्दीन चिश्ती इनका हो गया अजमेर, और बाबा फरीद हो गया पंजाब, ठीक है। तो इस तरह से 57 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। एक बार देख लें पुला, हाँ ए का हमने 4 मिलाया है, बी का हमने 2 मिलाया है, ठीक है, और इसके बाद है सी का हमने तीसरा मिलाया हुआ है और डी का पहला मिलाया है। तो इस तरह से 57 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 58, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। काफ़ी बार बच्चों ये प्रश्न ये भी आया हुआ है, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था।
दीन ए इलाही किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये भी काफ़ी बार प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, तो ये अकबर ने किया था दीन ए इलाही। प्रश्न 60 है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो ये है बच्चों गुरु अर्जुन देव जी। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, तो इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये थे राजा टोडरमल। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बाहर से भीतर का क्रम। बाहर से, अब पृथ्वी हमारी है कई परत होती हैं, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो संरचना का क्या क्रम होगा? तो ये होगा पहले आपकी भूरपट्टी हो गई, फिर मेंटल हो गया, फिर हो गया क्रोड, एकदम सेंट्रल में क्रोड होता है या कोर कहते हैं जैसे इंग्लिश में CORE, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही है 62 का। इसके बाद है सामान्यतः ऊपर उठे हुए भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 63 का है बच्चों आंसर नंबर 2, पठार यानी कि प्लेट्यू, ठीक है, इसको प्लेट्यू कहा जाता है। इसके बाद है 64, सही सुमेलित को चुनिए, जो सही सुमेलित है उसे हमें चुनना है। यहाँ पर देखिए ये तरह तरह के वेलकैनो हैं, ठीक है, ज्वालामुखी हैं, तो इसमें केवल सही सुमेलित जो है वो है विसुवियस इटली, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, ये देखिए असर्शन रीजन का प्रश्न है 65 वाला, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभिकथन है, असर्शन है, अवसादी या परतदार चट्टान में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। कारण, अवसादी या परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। बच्चों ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि बहुत साल पहले की बात है, आप देखते होंगे कहीं कहीं ही ये जो तेल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कहीं कहीं पाया जाता है, सब जगह पाया नहीं जाता है, या कोयला हो गया ये भी कहीं कहीं पाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी थी, हमारा जो वर्ल्ड था, तो उसमें पेड़ बहुत सारे थे, तो भूकंप आया चाहे जो आए, ये पेड़ क्या हुए, ज़मीन के अंदर दब गए, और दबने की वजह से धीरे धीरे इस पर मिट्टी पड़ती चली गई, मिट्टी पड़ती चली गई, तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर से क्या हुआ कि ये जो पेड़ पौधे थे कहीं कोयले में, कहीं खनिज तेल में ये लोग बदल गए, ठीक है। तो ये परत दर परत चढ़ते हुई गई है, तो ये इसका एकदम देखिए बच्चों दो, ये एक अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी एकदम सही है। तो 65 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम सही है, मतलब ये सही है, और आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है, तो ये इसके पीछे रीज़न था जो मैंने अभी आपको समझाया। ये देखिए स्थानीय देश का नाम है, वहाँ की स्थानीय हवा जो चलती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हम लोग देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें देखें हम मिलाने जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनुक बहता है, ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। इटली में सिरोका बहती है। भारत का सबको पता है कि इस समय देखिए लू बहना शुरू हो गई है कई राज्यों में, यहाँ सी हो गया, और कनाडा में ब्लिजर्ड, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से प्रश्न नंबर 66 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है, आपने मिला लिया होगा। अब देखिए ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये है आपका संताप मंडल। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है क्या कहलाता है? तो ये है आपका जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल, ठीक है, पानी का साइकिल, वाटर साइकिल, जिसमें पानी बनता है, भाप बनता है, सब प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 69, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट ही होती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हमारी पृथ्वी है, ये देखिए भूमध्य रेखा है, सूरज की रोशनी जो है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में चलती रहती है, लगभग यहाँ पर हमेशा धूप पड़ती है, धूप पड़ने की वजह से क्या है कि यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, यहाँ पर भी हमें देखिए ज्वार भट्टा सुनामी, हाँ सब चीज़ के रीज़न दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि हमें ऑप्शंस दिखें। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें हम मिलाने जा रहे हैं,
अब कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर देखिए एकदम विशालतम झील है, ठीक है, ये एकदम इसका ऑप्शन सही है, मतलब ए को यहाँ मैं लिख दूँ। इसके बाद है ज्वारभाटा, ज्वारभाटा जल में सर्वाधिक उतार एवं चढ़ाव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ज्वारभाटा किसकी वजह से होता है। ज्वारभाटा आपको पता होगा बच्चों, समुद्र की जो लहर होती है वो उठती है, फिर धीरे धीरे करके आती है, कई बच्चे जो समुद्र देखे होंगे उनको पता है। और सुनामी जो है, सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे हैं, और महासागरीय धाराएं जो हैं निश्चित मार्गों में प्रभावित होने वाली जल धाराएं हैं। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये इसके 25 प्रश्न अभी होने वाले, 4 प्रश्न और हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये गलती से इलाहाबाद छपा है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रयागराज यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और उच्चतम न्यायालय आएगा तब भी ध्यान दीजिएगा वही आंसर होगा। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति या अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? तो 65 ईयर्स होती है, ठीक है। इसके बाद है एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? हमारे यहाँ सिंगल ये नागरिकता है, तो जबकि अमेरिका में डबल नागरिकता है बच्चों, तो इसका आंसर है ब्रिटेन, ब्रिटेन से सिंगल नागरिकता ली गई है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगले वीडियो में मैं जीके के प्रश्न बताऊंगा, और जीके के प्रश्न बच्चों मिक्स वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें हिस्ट्री भी रहता है, कुछ ज्योग्राफी भी रहता है, और करंट अफेयर्स भी रहते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।